सिख ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे हो जाओ। मैं वादा करती हूं आपके साथ, अगर जम्मू कश्मीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुजर बकरवाल पहाड़ी इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी को सफेद झंडा उठाना पड़ेगा, ये मैं आपको वादा करती हूं। देखिए आपको पता है कि जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी जम्मू कश्मीर के जुलू में बस रही है, उससे जुनूबी कश्मीर में ज़्यादा ही इसकी पैदाइशी हुई है, क्योंकि ये बर्थ प्लेस है इस पार्टी का जम्मू कश्मीर में। जब पहला इलेक्शन हुआ 2002 में, अगर आपको याद होगा 16 सीटों में 12 सीटें हमको साउथ कश्मीर से मिली, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ के लोगों की ये दिल की चाहत है, ये उनके में इस पार्टी की जगह उनके दिल में है। अगर किसी को गिला शिकवा भी होगा लेकिन उसके बावजूद भी उसको लग रहा है जब मौका आएगा वो पीडीपी को अपने साथ पीडीपी के साथ चलेगा और किसी पार्टी के साथ नहीं चलेगा। हमारा 24 फाउंडेशन डे था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो इसमें हमने लोगों को मुबारकबाद दे दी, क्योंकि जो भी हमारे अपने वर्कर्स थे वो हमारे हमेशा पीडीपी के साथ रहे हैं और आज भी इस जूम के मौके पे जूम के टाइम पे खड़े हमारे साथ। ये बेसिकली मीटिंग नहीं थी, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंडेशन डे था जिसपे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, और ये यहाँ पे ही नहीं था, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने 12,000 लड़कों के एफआईआर वापस लिए थे। जब मैं 12,000 लड़कों के एफआईआर की बात करता हूँ तो ये 12,000 फैमिलीज हैं। आज हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे था जो 28 को मनाना था, लेकिन क्योंकि मुहर्रम की वजह से इसको पोस्टपोन करके 31 को मनाया गया, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी की तरफ से ये हुक्म था कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस फाउंडेशन डे को मनाया गया। तो आज हमने भी यहाँ पे मनाया, आपने देखा होगा कि लोगों ने बड़ी जज्बात से यहाँ जो है पार्टिसिपेशन की, लोगों की इस तादाद को देख के कह सकते हैं। और आज आपने सुना भी होगा श्रीनगर में हमारा जो प्रताप पार्क में जो हमारा प्रोग्राम था वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। एक लोगों का कहना है सियासी पार्टियों के बारे में ऐसा बोलेंगे जो हमारे एडवर्सरीज हैं वैसा कहेंगे, बट आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में आज लोगों ने इस फाउंडेशन डे में शमूलियत की। लोगों के लिए यही मैसेज है कि पीडीपी के साथ दीजिए।